हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट क्लास यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर चुके थे, लिमिट वन का लेक्चर पढ़ चुके थे, वो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आप जानते हैं जेई मेन्स हो या एडवांस हो या आपके पास एनडीए हो और 11-12 के लिए तो मस्ट होता ही है, तो इन सारे एग्ज़ाम में लिमिट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन राइज किए जाते हैं। जैसे कि आप अगर सपोज करके देखोगे कि जेई मेंस में अगर देखोगे तो लिमिट्स चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन आपसे आता है, और एनडीए में भी इसी तरह से आपके पास 6 क्वेश्चन इसी में से आता है। और ऐसे भी आप एनडीए का सिलेबस तो जानते ही, ये एक क्वेश्चन पे कितना रहता है, 2.5 मार्क्स रहता है, तो उसी तरह से इसमें क्या रहता है, 6 मार्क्स रहता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एनडीए बहुत ही लिमिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, चाहे 11-12 दो, जैसे कि कैलकुलस का यही पार्ट से है, पहला पार्ट से लिमिट्स ही है और फंक्शन है, तो लिमिट्स जो है जितने भी कैलकुलस का आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है प्रूफ होने के लिए, तो सारे लिमिट्स के ही हेल्प से उस फॉर्मूला का क्या कर सकते हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आपके लिए, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। और लेक्चर 2 है, और इस चीज़ में कुछ थ्योरी आज पढ़ लेते हैं, और कुछ थ्योरी के बाद हम लोग लगभग 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो करेंगे, वो कि जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और वो एग्ज़ाम आपके लिए जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चन आपका यूज़फुल है। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और इसको राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM मैथ क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ लेक्चर 2 में आज समझने की कोशिश करते हैं, लिमिट्स मतलब होता है सीमाएं। तो हम लोग इस ग्राफ से समझ लेंगे, जैसे कि कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि नेबरहुड के बारे में, पड़ोसी के बारे में, तो उसी एक ग्राफ से नेबरहुड को समझ लेते हैं। कि जैसे कि आपके पास आपने एक ग्राफ खींचा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, सबसे पहले एक डिनोटेड कर लिया कि एक्स इक्वल टू ये, ने आपको एक बिंदु लिया। अब इसका जैसे ये अगर लिया तो इसका आप ग्राफ में खींचोगे तो क्या आ जाता है, एक्स इक्वल टू यानी एफ एक्स कोई फंक्शन है, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का जैसे आप ग्राफ खींचा तो एक्स इक्वल टू ये है। जब एक्स इक्वल टू ये है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये और एफ ऑफ ये है। उसी तरह से आप अगर देखोगे कि जैसे इसका नेबरहुड पॉइंट्स ये आ जाता है, नेबरहुड पॉइंट्स ये, और इसका नेबरहुड पॉइंट्स ये आता है, तो आप देखोगे कि ये नेबरहुड जो है, तो ये आपके पास इसको नेबरहुड जो है ये राइट हैंड नेबरहुड है, क्या है, राइट हैंड नेबरहुड या राइट हैंड लिमिट भी कह सकते हैं, और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड टेंडेंसी भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास जैसे कि एक प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो आप इस जगह पे देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू ये पपोर प्लस, यानी प्रोग्रेस हो रहा है, तो आप ये पपोर एक्स अगर यहाँ पे एक इस बिंदु का एक्स इक्वल टू ए टू द पावर प्लस है, तो उसी तरह से अगर इस पॉइंट का यानी कि कोई एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू ये प्लस है तो ये प्लस डाल दिया, वाई इक्वल टू एफ एक्स तो एक्स की जगह पे क्या वैल्यू है, ये, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ये प्लस। उसी तरह से आप इस जगह पे देखेंगे, लेफ्ट नेबरहुड में देखेंगे, लेफ्ट नेबरहुड में देखो एक्स इक्वल टू ए टू द पावर माइनस है, तो इस जगह पे एक्स का रिजल्ट तो आपके पास हो जाएगा ए टू द पावर माइनस, और वाई का रिजल्ट अगर हो जाएगा एफ ऑफ ए टू द पावर माइनस। तो इस तरह से आप नेबरहुड को समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन, कोई गिवन फंक्शन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे डिनोटेड किया गया है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो उसी तरह से गिवन फंक्शन दिया हुआ है। इसमें दो पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट्स कहता है कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ये, यानी कहना चाह रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू ये पे क्या होगा, तो आप देख रहे हैं क्या होगा, एफ एक्स होगा, एफ ऑफ ये हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा पॉइंट में कह रहा है क्या कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ये, यानी एक्स इक्वल टू ये का वैल्यू एफ एक्स के नेबरहुड में क्या क्या हो सकता है। तो पहला आप देख रहे हैं क्या हो सकता है कि एफ ऑफ ये हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, तो आप ये समझ गए क्या राइट हैंड है, और ये पप्पा माइनस है, यानी एफ ऑफ ये पप्पा माइनस है, तो ये नेबरहुड किसका है, लेफ्ट हैंड नेबरहुड का है।
तो इसी तरह से ये दोनों वैल्यू क्या समझते हैं, आपका फाइंड आउट हो जाता है। चलिए गाइस, अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट क्या होता है। इन प्रॉपर्टीज को जानने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आप किसी ने इसके इंडिटरमिनेट फॉर्म जितने भी होते हैं, जितने भी आपके पास लिमिट के फॉर्म होते हैं, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेंगे। तो चलिए देखिए, अब हम लोग इस प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इस प्रॉपर्टीज को समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहली बात कह रहा है कि प्रॉपर्टीज में इफ एक्स टेंस टू ए, यानी टेंस टू को हम लोग इक्वल भी फॉलो कर रहे हैं। जब भी हम लोग किसी भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट को सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपके पास आएगा एक्स टेंस टू ए। ये हो गया आपके पास रियल नंबर। रियल नंबर के जगह पे आपके पास कुछ भी आ सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है ए के प्लेस पे। तो जब भी क्या करेंगे कि लिमिट को सॉल्यूशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को फॉलो करने के टाइम में कि जो आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी जिस चीज़ के लिए आप गुना करोगे, कहीं आपको अगर किसी भी लिमिट को सॉल्यूशन करने के लिए किसी संख्या से गुना करना पड़ता है तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे x पे जो चीज़ का गुना करोगे तो वही चीज़ का ए पे भी करोगे। सपोज करो कि x से अगर आप 3 को गुना कर रहे हैं तो वही 3 को किस से गुना करोगे, ए से गुना करोगे। सपोज नेक्स्ट अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि अगर इस चीज़ को आप किस से गुना कर रहे हैं कि 3 से अगर क्या कर रहे हैं, 3/2 से अगर भाग दे रहे हैं x को, तो इसी तरह से आप क्या डिवाइड फिर क्या करोगे, 3/2 से भी इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। बहुत जगह पे इस तरह से पोजीशन आ जाएगा कि x टेंस टू 5 दिया हुआ है और इस जगह पे आपके पास क्या करना है कि 5 x टेंस टू 0 दिया हुआ और इस जगह पे आपके पास x बटे 2 करना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे x बटे 2, तो इधर भी क्या करेंगे 1/2 से कर देंगे, तो x बटे 2 इधर हो गया, तो ये 1/2, तो यानी आपके पास ये रूप आ जाएगा कि x बटे 2 टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी लिमिट को सॉल्यूशन करने के लिए इस प्रॉपर्टीज़ का हेल्प लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात कि लिमिट जो है इसको हम लोग शॉर्ट में यूज करते हैं, उस चीज को मैं लिख देता हूं यहां पे, लिमिट LIM से डिनोटेड करते हैं, नहीं तो LT से डिनोटेड करते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे या हायर एजुकेशन वाले बुक में देखोगे तो आपके पास LT से लिमिट को डिनोटेड किया रहता है और LIM से भी कहीं कहीं डिनोटेड किया जाता है। 11-12 में देखोगे जितने भी सारे बुक होगा तो LIM से भी डिनोटेड किया जाता है। तो चलिए देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो भी लिमिट में आप चेंजिंग करोगे तो यानी आपके पास टेंस टू जो होता है, यानी किसी भी लिमिट का जो टेंस टू यानी अग्रसर होता है, तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में आप क्या करोगे, चेंजिंग करोगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रॉपर्टीज अलजेब्रा का पहला प्रॉपर्टीज यानी लिमिट में अलजेब्रा टॉपिक का पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर लिमिट आपके पास एक्स टेंस टू ए है, क्या है लिमिट एक्स टेंस टू ए है और एफ ऑफ एक्स है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कि इसी ये को यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ ए। ये पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज में आपको ये समझना है कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर आपके पास ये है के इंटू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जब आप ये एफ एक्स का ही आपको पास लिमिट का वैल्यू निकालना है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या दे दिया गया, के दे दिया गया, तो इस लिमिट में इजीली क्या कर सकते हैं, लिमिट से बाहर कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। तो के इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स। आप इस जगह पर डिनोटेड कर सकते हैं कि वेयर के इज अ कांस्टेंट। के एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, जैसे कि आपके पास तीसरा नंबर का प्रॉपर्टीज है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए है और एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कोई भी फंक्शन अगर आपके पास प्लस में माइनस में डॉट 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 इस तरह से आपके पास रहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रॉपर्टीज को लिमिट को अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हर एक फंक्शन के साथ अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं, तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर प्लस माइनस डॉट 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 चलता जाएगा। तो अब इस जगह पे आप समझ गए क्या क्या जी लिमिट में
अगर प्लस में रहे तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, माइनस में रहे तो फिर अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज हो जाएगा। जैसे इतना तक आप समझ गए तो नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास और है, जैसे तीसरे नंबर चौथे नंबर पे अगर आपके पास लिमिट में ऐसा है x टेंस टू ए और डिवाइड में है f ऑफ x बटे g ऑफ x, f ऑफ x बटे g ऑफ x, इस स्थिति में है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस जगह पे लिमिट को भी अलग अलग कर सकते हैं। सपोज इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि x टेंस टू ए हो जाएगा, f ऑफ x बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा g ऑफ x, और इस जगह पे एक चीज़ जैसे लिमिट ऑफ ऑफ एक्स बाई इस जगह पे कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू फ्री हो जाएगा ये, और जी ऑफ एक्स इसे अलग कर सकते हैं, और यहाँ पे कोमा देके जी ऑफ एक्स डज नॉट जीरो, यानी जी एक्स का वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह से आपके पास ये डिवाइड वाला कंडीशन हो गया, और फिर मल्टीप्लीकेशन वाला भी आप देख लेंगे कि अगर आपके पास लिमिट ऐसा है एक्स टेंस टू ये है और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है तो आप इजीली इसे भी क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग बांट सकते हैं। तो इस जगह पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और फिर इंटू तो होगा ही, फिर यहाँ पे लिमिट क्या कर लेंगे एक्स टेंस टू ये, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जी ऑफ एक्स। तो इस तरह से चारों प्रॉपर्टीज से आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को बांट सकते हैं, अलग अलग करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इससे लिमिट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के साथ कुछ फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। चले गए जी, अब हम लोग समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ उसके एग्जाम्पल। चले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास स्टार पॉइंट में कि सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, सबसे पहली बात है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक फंक्शन। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बात को समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि 11, 12 जो वेटेज होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको मैथ के बारे में नॉलेज नहीं है तो 11, 12 में मैथ को फॉलो करके देखो कितना आपके पास नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक 11, 12 क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मैट्रिक लेवल में इतना हाई लेवल तक की बताई नहीं जाती है, इसीलिए मैट्रिक लेवल में आपको सिर्फ दो ही फंक्शन का स्टडी किया जाता है। जब आप 11, 12 में आते हैं ना तो आपको ये चीज़ बताया जाता है कि आपके पास फंक्शन कितने होते हैं, और आप 11, 12 बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए क्योंकि अगर आप 11, 12 को अच्छी तरह से स्टडीज कर लेते हैं तो आपको आगे चल के अगर मैथ से पीएचडी भी कर लेते हैं आपको, तो डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता अगर 11, 12 आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है तो। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आपको 11, 12 में फाइव फंक्शन की स्टडी करनी है, और वो फाइव फंक्शन क्या है, तो चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। वो फाइव फंक्शन है, यानी स्टडी जो करना है आपको ओनली फाइव फंक्शन। आपको यही फाइव फंक्शन की ही स्टडी करना पूरा 11, 12 में, और वो 11, 12 में फाइव फंक्शन जो होता है उसे एक लेटर से डिनोटेड करते हैं, वो लेटर होता है आई लेट। क्योंकि इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आईलेट वर्ड जो है ना, आपका जब कैलकुलस का इंटीग्रेशन चैप्टर फॉलो होता है उस टाइम में इस आईलेट को फॉलो किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस आईलेट वर्ड में फाइव फंक्शन है, कितने फंक्शन है, फाइव फंक्शन है, और ये फाइव लेटर है, और इसी लेटर से हर एक लेटर से क्या हो जाता है आपका एक एक फंक्शन बन जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आई से हो जाता है आपका इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक हो गया आईलेट। उसके बाद दूसरा एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और नेक्स्ट आपके पास जो होता है ये से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, और फिर टी से होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और आपके पास ई से होता है एक्सप्लेनेशन फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आपके पास फाइव फंक्शन का स्टडी करना पूरा 11 12 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी फाइव वर्ड से फाइव फंक्शन का स्टडी करनी है। आप इस चीज को गौर करके समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये फाइव फंक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं पे भी किसी प्रकार के अगर क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है किस फंक्शन पे बिलोंग्स करता है। इसलिए इस फाइव फंक्शन का डिटेल्स भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलजेब्रिक फंक्शन में। अलजेब्रिक फंक्शन में यही दो फॉर्मूला जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखिए, यहां पे पहला फॉर्मूला है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू होता है फॉर्मूला n इनटू a टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, इसका हम लोग प्रूफ भी समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी एट फर्स्ट फॉर्मूला को याद कर लेते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू a n इनटू a टू द पावर n माइनस 1, n डज नॉट 0, n का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपके पास उसी से रिलेटेड है, जैसे कि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x पर पावर m माइनस a टू द पावर m। तो इस तरह की जब आपके पास आ जाती है तो इसको फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। चलिए देखिए, आपने अपने मन से x माइनस a डाल दिया, यहाँ पे भी x माइनस a डाल दिया, इसको और इसको कैंसिल कर दोगे तो आपके पास जो क्वेश्चन में था वही चीज़ आ जाएगा। और इस रूप में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, या आपके पास एबीसी का या एक्सेलेंट का कोई भी बुक अगर आप देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। तो चलिए देखिए, इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। अब ये तो आप अभी आपने याद कर चुके हैं कि n इंटू एक्स पपा एन माइनस वन, नहीं ये पपा एन माइनस वन होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m इंटू ए पपा एन माइनस वन, इसी को मैंने अलग अलग बांट दिया। अब फिर देखो यहाँ पे n इंटू ए पपा एन माइनस वन और बट m इंटू ए पपा एन माइनस वन, सेम यही फॉर्मूला का यहाँ पे कॉपी है, पावर में m है तो m को फॉलो कर लिया। अब इन दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है 1024, यानी 1024 बटे x माइनस ये। अब इसी चीज़ को हम लोग इसी फॉर्मूला बेसिक पे सॉल्यूशन करेंगे। साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, एच ओ टी एस, हॉट्स लिखा हुआ है बहुत सारा। जैसे कि आप हायर लेवल का बुक में देखोगे तो ये हॉट्स लिखा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्या होता है कि एडवांस लेवल में पूछा जाता है, जैसे कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, NDA हो या आपका जेई मेन्स हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे NDA जब भी एग्जाम दोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। ये एच ओ टी एस, हॉट्स, जब भी किसी क्वेश्चन के आगे अगर एच ओ टी एस हॉट्स लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, हाई थिंग्स सोचना पड़ेगा। इसीलिए एच ओ टी हॉट्स क्वेश्चन के बाद में लिख दिया जाता है कि एच ओ टी हॉट्स, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन। तो चले, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने इसी चीज़ को फॉलो करूंगा, यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इजीली सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी, सिर्फ आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, और अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी फर्स्ट एग्जांपल का है आपके पास। पहले इसको लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 बाय x माइनस 2। अब चलिए देखिए, यहाँ पे एट फर्स्ट आप क्या करेंगे कि जो भी x का वैल्यू है उस इस इक्वेशन में पुट कर डालेंगे। जब पुट कर डालेंगे तो आपके पास जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, 2 डालोगे तो इसका वैल्यू ऊपर में भी 0 आता है, नीचे में भी 0 आ जाता है, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मीनिंगलेस फॉर्म। अगर ये मीनिंगलेस फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप
प्ले स्टोर में जाके इस फर्स्ट लेक्चर जरूर लिमिट का देख लेंगे, जिससे कि इन सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए इनका सॉल्यूशन हम लोग इजीली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स टेंस टू टू, तो आप क्या हो जाएगा कि एक्स टू द पावर टेन माइनस टू पर पावर क्या हो जाएगा, टेन बाई एक्स माइनस टू। चलिए यहाँ पे देखिए आप ये चीज़ समझ जाइए कि यहाँ पे टू पर पावर टेन यानी अगर टू को टेन टाइम्स अगर मल्टीपल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1024 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास यही फॉर्मूला पे आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन बाई एक्स माइनस ए इसी रूप में आ गया। ये का रूल होता है कॉन्स्टेंट, ये क्या है कॉन्स्टेंट, इस जगह पे कॉन्स्टेंट का वैल्यू कौन है, टू है, तो टू का वैल्यू फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे एन का वैल्यू आपके पास क्या है, टेन है, तो टेन इंटू टू पर पावर, टेन इंटू टू पर पावर क्या हो जाएगा, टेन माइनस वन, तो आपके पास यहाँ पे टेन इंटू टू पर पावर क्या हो जाएगा, नाइन। और जब टू पर पावर नाइन होगा तो इसका टेन इंटू टू पर पावर नाइन होता है 512 होता है, इसको गुना करोगे तो आपके पास 520 यानी 5120 यही हो गया परफेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके पास अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इजीली मार सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ये भी आपके पास वही HOTS हॉट्स का है, इसको कह सकते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन। इस जगह पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x टू द पावर n माइनस 3 पर पावर n बाय x माइनस 3 इक्वल टू 108 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, n n का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग इस जगह पे देखते हैं, बहुत ही इजी है, सिर्फ धैर्य बना के रखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे क्लास को मिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपके पास, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 दिया हुआ है, यहाँ पे x पर पावर क्या दिया हुआ है, n माइनस 3 पर पावर n बाई x माइनस 3 और इक्वल टू दिया हुआ 108 ये दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये एट फर्स्ट आप देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। चलिए देखिए इसको फॉलो कर लेते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी 3 इंटू यानी इस जगह पे n का वैल्यू क्या है, n ही है, तो n इंटू 3 पर पावर n माइनस 1 और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, n इंटू 3 पर पावर हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 और इक्वल टू में 108। अब जब आपके पास ये चीज़ आ गया तो आपके यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है, n इंटू 3 पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू 108। अब इसको सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी माइनस 1 है और ये 3 का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 180 को खंड कर लेंगे। तो 180 को जब आप खंड करते हैं तो इसका खंड जो आएगा आपके पास इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे n इंटू 3 पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 पर पावर 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, तो इस जगह पे आपके पास क्या आ रहा है 27 आ रहा है। तो चलिए देखिए इसको खंड करोगे तो यही रूप आ जाएगा। अब इस जगह पे देखो n का वैल्यू आपके पास 4 आ रहा है, इस जगह पे भी आप सोच रहे हैं तो n का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है, सपोज सेम फॉर्मूला पे आ रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि n इक्वल टू 4 यही हो गया आपका आंसर। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये फैक्टर कैसे आता है कि 4 इंटू 3 पर पावर 4 माइनस 1, तो चलिए देखिए इसको खंड करने के लिए आपको मैंने बताया कि खंड कर लो तो तब इसको समझ में आ जाएगा। तो 180 को आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आपके पास ये 4 डिवाइड करो तो 8 टू डिफरेंट 28 यानी इसको काटोगे फिर 4 से 28 को तो क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे इसको 3 से कर दिया 3 फिर सॉरी 9 फिर यहाँ पे इसको क्या कर दिया 3 से कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 3, तो 3 यानी 3 पर पावर 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 माइनस 1 लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है आपके पास n माइनस 1 है, तो यहाँ पे आपने क्या 3 लिख सकते हैं, तो या 4 रूप होना चाहिए n माइनस 1 का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप 4 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3 बचता तो 27 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 हो गया, तो आप n के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 4, तो इसी तरह से n का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि HOTS और हायर ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। तो अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी दूसरा जो फॉर्मूला था उसी से रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है
इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू है, और फिर इस जगह पे आपके पास एक्स टू दी पावर सिक्स माइनस सिक्स पर पावर टू पर पावर सिक्स, यहाँ पे वो सॉरी 64 है, क्या है 64 बाय आपके पास हो जाएगा एक्स पर पावर क्यू माइनस एट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस जगह पे अगर 2 का वैल्यू फाइंड आउट कर देने पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू 0/0 हो जाता है, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या आ जाता है, 0/0 आ जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन करेंगे, लिमिट एक्स टू टू एक्स पर पावर सिक्स माइनस टू पर पावर सिक्स, इजीली आप कर सकते हैं, टू पर पावर सिक्स अगर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 64। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू, आप यहाँ पे टू पर पावर क्या कर देंगे क्यू कर देंगे, तो आपके पास वही रूप आ जाएगा कि एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन बाई एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन, वही रूप आ जाता है। तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो लिमिट इसी को कहा जाता है, एल हॉस्पिटल रूल भी कहा जाता है। तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा सिक्स टू पर पावर सिक्स बाई एक्स माइनस टू बाई एक्स पर पावर क्यू माइनस टू पर पावर क्यू हो जाएगा आपके पास, और फिर यहाँ पे एक्स माइनस टू हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक्स माइनस टू अगर कैंसिल करते हैं तो जो था मेरे पास वही आ जाता है। तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, आपने सीखा प्रॉपर्टीज़ में कि लिमिट को भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर सिक्स माइनस टू पर पावर सिक्स बाई एक्स माइनस टू, और फिर ये मेन बटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिमिट आ जाएगा एक्स टेंस टू टू हो जाएगा, फिर एक्स पर पावर सिक्स माइनस टू पर पावर सिक्स बाई एक्स माइनस टू हो जाएगा। तो चलिए देखिए आप सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री थ्री आए, थ्री थ्री डाल दिया आपने। तो अभी इस जगह पे फॉर्मूला आपके पास वही आ रहा है कि n इंटू एक्स ए पर पावर एन माइनस वन, एन का वैल्यू क्या है आपके पास सिक्स है, और ये का वैल्यू क्या है टू है। तो ये गुने सिक्स गुने टू पर पावर क्या हो जाएगा सिक्स माइनस वन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे n का वैल्यू क्या है थ्री है, और ये का वैल्यू क्या है आपके पास टू है, तो क्या हो जाएगा टू पर पावर थ्री माइनस वन। तो इस जगह पे हो जाएगा सिक्स गुने टू पर पावर फाइव, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे थ्री गुने टू पर पावर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। तो इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। ऐसे भी काट सकते हैं कि देखो यहाँ पे थ्री पर टू पर पावर क्या है टू है, और यहाँ पे टू पर पावर फाइव है, पावर पावर कट जाए तो यहाँ पर बच जाएगा थ्री, यहाँ पे भी टू है, और यहाँ पे क्या आपके पास सिक्स है, तो तीन दूनी छः हो जाएगा। तो इस जगह पे आपके पास टू पर पावर थ्री, यहाँ पे टू है, तो आप क्या कर सकते हैं टू गुने टू पर पावर थ्री का वैल्यू एट होता है, तो आठ दूनी सोलह यानी सिक्सटीन इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन अलजेब्रा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजिली क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग और एक अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे। चले गए अब अलजेब्रा से रिलेटेड और एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अब इन टाइप्स के जितने भी सारे क्वेश्चन मिलेगा आपके बुक से सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको परेशानी होगी कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन में परेशानी होती है, आप इनकी सॉल्यूशन दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशन दूंगा। आज का मेरा जो टॉपिक था वो लिमिट का सेकेंड लेक्चर था, और आज के टॉपिक में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला में से अलजेब्रा को पढ़ चुके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे ट्रायगोनोमेट्री और जो फाइव फंक्शन का स्टडी किए थे उनमें से सारे फंक्शन का एग्जांपल और विद फॉर्मूला को जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी लाइफ यहीं से चेंज हो सकती है, ये आपको गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपकी लाइफ यहीं से चेंज हो सकती है। इसीलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे और फिर सारे लेक्चर को सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट क्या करेंगे, जो भी लिमिटिंग वैल्यू होता है क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर एच का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू जीरो है तो ये हो गया आपके पास जीरो, रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स बटे फिर ये हो जाएगा जीरो। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या आ जाता है, जीरो बाय जीरो आ जाता है। जब किसी भी क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाय जीरो आ जाता है तो नीचे वाले को कहा जाता है डेंजर यानी खतरा, इसको हमेशा आपको क्या करना है, डिलीट करना है। नीचे क्या होनी नहीं चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे जीरो हो जाता है तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है, इसीलिए जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस क्या करेंगे, एच को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एच को डिलीट करने के लिए क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, एच टेंस टू जीरो
रूट अंडर एक्स प्लस एच माइनस रूट अंडर एक्स बटे हो जाएगा आपके पास एच, और ऊपर वाले का आप क्या कर देंगे, इजीली रेशनलाइज कर देंगे, जिसे कहते हैं हिंदी में परिमेयकरण। तो रेशनलाइज कर दो इसका, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस रूट अंडर एक्स बटे हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस एच हो जाएगा, और फिर प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए देखिए, ऊपर वाले को गुना कर दीजिए, नीचे वाले को भी गुना कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे देखो, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी आपके पास एक फॉर्मूला का रूप आ गया। जैसे कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पढ़े हैं ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ए माइनस बी। तो आप जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मैट्रिक में सिर्फ आपने क्या किया था, लेफ़्ट से राइट को ही यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे 11, 12 में आप जितने भी हायर एजुकेशन में जाएंगे, फॉर्मूला का रूल ही होता है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट से राइट को यूज़ कर सकते हैं, तो राइट से लेफ्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसे गुना कर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर यानी रूट अंडर x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में आप क्या कर सकते हैं, h गुने रूट अंडर में लिख सकते हैं x प्लस एच, और फिर यहाँ पे प्लस रूट अंडर क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा x टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, और इस जगह पे आपके पास ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच और माइनस क्या हो जाएगा, इस जगह पे आपके पास x हो जाएगा, बटे में h इंटू आपके पास हो जाएगा रूट अंडर x प्लस एच हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास प्लस में रूट अंडर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए गाइस, अब इस जगह पे इजीली क्या कर सकते हैं, x और x को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव है, इसके आगे नेगेटिव है, कट गया। अब इस जगह पे देखिए, ऊपर में भी h, नीचे भी h, h h आपके पास क्या हो गया, डिलीट हो गया, यानी जो भी डेंजर था आपका कट गया। अब लिमिटिंग का वैल्यू हमें सब पुट कर सकते हैं, जब लिमिट का वैल्यू पुट किया जाता है तो लिमिट को लिखा नहीं जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू यानी h का वैल्यू जीरो है, जीरो पुट कर दो, मत लिखो। ऊपर में क्या बचा हुआ आपका पास, वन बचा हुआ, वन डाल दिया। यहाँ पे x रूट अंडर x प्लस एच है, तो आप क्या कर देंगे, रूट अंडर क्या कर देंगे, x प्लस जीरो कर देंगे, और फिर यहाँ पे प्लस रूट अंडर x आपके पास इजीली आंसर आ जाता है। यहाँ पे भी रूट x बचता है, यहाँ पे भी रूट x बचता है, तो क्या हो जाएगा, वन बटे टू रूट x। इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 11, 12 के जितने भी राइटर का बुक उठा के देखोगे, सारे राइटर के बुक में इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और सारे क्वेश्चन को आप यूं ही बना डालेंगे। पहले देखेंगे लिमिटिंग वैल्यू क्या आता है, इन रिटर्न फॉर्म अगर आ जाता है तो उसके लिमिटिंग को कटाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, 11, 12 को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट आपके पास जो लेक्चर लेने वाले हैं, वो बहुत ही बेसिक से लेने वाले हैं, क्योंकि आपका बेसिक अगर इम्पोर्टेंट, अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो आप आगे समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए मैथ का जो होता है, बेसिक ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका बेसिक जितना मजबूत होगा, उतना आगे मैथ समझने में आपको बस इजीली होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।